गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस अभी बज रहे 10:30 और मैं जा रहा हूँ अपने क्लासेस में क्योंकि 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो है चालू हो चुकी है। सो मेरा तो रोज का रूटीन यही है, 10:30 क्लास होते हैं। सो अभी एक सेकंड में क्लास के बाद मिलता हूँ। अरे घर पे से नहा धो के फ्रेश होकर निकलो लेकिन वापस पसीने से नहाना पड़ता है यार। कोई नहीं, अभी क्या, चलो चलते। आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ लगता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो आपका जो फीडबैक आप ज़रूर से कमेंट में लिखना, विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। तो गाइस अभी क्लास भी ख़त्म और आते आते पनीर भी ले लिया क्योंकि आज है ना मुझे जिम 4 बजे जाना है। सो अपनी जो दिन की सेकेंड मिले वो अभी घर पर जाके खा लूँगा। सो गाइस 3:30 बजे और मैं ना बहुत ही गहरी नींद में सो गया था। एंड लेकिन आपको कहीं जाना और लेट हो चुका और अचानक से आप उठ के डर जाते हो ना, घर शूट लेट हो गया, वैसे वाली फीलिंग आई बॉस, लेकिन आ गया टाइम पे। तो अभी मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ जो उसका आज पहला दिन है जिम का, सो उसके लिए वेट कर रहा हूँ, अभी आता होगा। तो आ गए हैं हमारे मित्र, आज पहला दिन है। सो बहुत एक्साइटेड दोनों, बहुत ये तो है, लेकिन इसके साथ मैं भी हूँ क्योंकि कंपनी मिल गई ना, बहुत दिनों से अकेले जा रहा था। हाँ अब मज़ा आएगा, मज़ा आएगा अब तो। और तो कुछ नहीं, पानी का बोतल क्या ले लिया सब, हाँ भाई सब ले लिया, नए लिए कि वही है नहीं है। हाँ भाई पहले दिन पे ना मुझे पता नहीं था तो मैं ऐसे ही शूज पहन के घर से चला गया, तो सर ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं होता, घर से कैरी करना होता है। हाँ वही। सो पहुँच गए हम लोग, फीलिंग एक्साइटेड है ना, बहुत ही। चलो 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 बैठ कर ना यश, बैठ के कर। तो थोड़ी देर कार्डियो कर ले, मैं चेस्ट का एक्सरसाइज कर लेता, ठीक है, बाद में बोल पाते तेरा। अच्छा दोपहर का आने का यही बेनिफिट है, आता तो खाली होता है भाई। सो अभी तो पहला दिन है इसलिए मैं सब मेरे फ्रेंड को सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा इक्विपमेंट किस बॉडी पार्ट के लिए होता है। अरे पहले एक्सरसाइज करिए इसको आज के दिन इतना ही है। अभी वो कार्डियो कर रहा है और मैं अपना बाइसेप का और ट्राइसेप का बाकी अभी वो कर रहा हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक में बड़े बड़े आई मीन लाउडली म्यूजिक बज रहे हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। पहली बार आप कहाँ से आए यार? हम तो सालों से। अरे आगे जा, थोड़ा आगे जा नीच को। हाँ बस और आगे, पूरा आगे जा, बाद में स्ट्रेच कर। हाँ आ जा, पूरा सो मत जा, थोड़ा बैक स्ट्रेट रख। मजा आया ना भाई, बहुत मजा आया। वर्कआउट डन क्या, मस्त बनाया ना ये क्या, सही स्पा टाइप पूरा मस्त, क्लब ही लग रहा है भाई, बाथरूम कम लग रहा है। बाथरूम कम भाई, बिल्कुल जिम में जो म्यूजिक बज रहा था ना भाई सा, अरे ऑलमोस्ट सब बजरंग बली वाले, शिव जी वाले और पूरे बॉलीवुड के भाई, इतना जोश आ रहा है ना। और ऊपर से हनुमान चालीसा बजाया, मतलब जो देखो वो देख, इस पे ना इंस्टाग्राम पर एक रील आ जा रहा है कि फॉरेन के जो जितने भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना वो सब उनके ही बॉडी बिल्डर्स को ऐसा मोटिवेशन सोच के वो जिमिंग करते, लेकिन हमारे उधर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे उधर सिर्फ एक ही जन को याद करते हैं, वो है बजरंग बली। बस भाई सॉरी, मैं बीच बीच में ना जिम में हम लोग बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ना पीछे वो म्यूजिक बहुत बज रहा था तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है इसलिए। 2000 years later. सो अभी पोस्ट वर्कआउट मिल की तैयारी। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे क्योंकि कल खाना खाने के बाद मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ, तो इसलिए मैं आराम कर रहा था और मैंने सोचा चलो कल ही कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी बज रहे दोपहर के 1:30 और मैं 3 बजे जिम में जाऊंगा और उससे पहले छोटा मोटा काम है, सो अभी नीचे जा रहा हूँ। गाइस जैसे कि गर्मियाँ चल रही है तो मुझे एक बात याद आई कि पहले के ज़माने में मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि
पहले अभी भी कई जगह पे गांव में ऐसा करते हैं कि वो पता है खुश की झाड़ आती है, जो ग्रास आते हैं जिसको हम विटेवर भी बोलते हैं, जिसके परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं। तो पहले के जमाने में पता है क्या करते थे, जो घर के दरवाजे होते ना उधर वो खुश की झाड़ का जो पूरा पर्दा लगा देते थे और जैसे और उसको गीला कर देते थे, और जैसे ही हवा आती थी ना तो पूरी गर्म हवा जो होती है ठंडी होकर बाद में घर में एंटर करती है। तो क्या मस्त वो नेचुरल एयर कंडीशनर था उस जमाने का। और अगर आप किधर इंटीरियर में जाओगे तो गाँव में आज भी आप देख सकते हो। और अभी मई का महीना फुल बाकी है, तो ऐसे किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी और गर्मियां बढ़ेंगी मई के महीने में? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखो अप्रैल में ही इतनी गर्मी है और बहुत सारी जगहों पे महाराष्ट्र में ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि और गर्मियां बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यू नेवर नो, मौसम कब कहां कैसे बदल जाए और इंद्रदेव कहां पे प्रकट हो जाए, देखते चलो। तो अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं लेकिन हमारे जो मित्र है वो फोन नहीं उठा रहे, सो उनका जैसे ही फोन आएगा हम निकल लेंगे जिम के लिए। तो भाई कल रात को सोरनेस हुई कि नहीं मसल में? अरे बहुत, चेस्ट में। हाँ, पहले दिन होता ही है थोड़ा बहुत पेन, है ना? हाँ, हम क्रिकेट में भी आज हम कोचिंग में जब पहला दिन गए थे ना तभी स्ट्रेचिंग और सब रनिंग कराई थी ना बहुत तगड़ी वाड़ी, तो रात को यार पैर पूरे इतने टाइट हो गए थे ना, तो इसलिए एक्सपीरियंस है। लेकिन उसका भी अलग मजा होता है कि नहीं? मेरा तो आज ट्राइसेप्स और शोल्डर है, कल बाइसेप्स का इसे ट्राइसेप रहेगा एक्चुअली, तो अभी आज ट्राइसेप्स करेंगे और शोल्डर। और तू बेसिकली मेरे घर वालों को मेरी हाइट ही बढ़ानी है और कुछ नहीं चाहिए। पर लॉकर नंबर 42 किधर है? किधर है? किधर? इधर ही खुला ही है। ओह वाह, फोटो बहुत मस्त है ना जिम के स्टार्टिंग में, देख लो गाइस। ये एक्चुअली जिनका जिम है ना वो उनके ओनर है, सुहास कामकर। आप में से बहुत लोगों को जानते होंगे, बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर है, इंडिया के फर्स्ट IFBB जो प्रो कार्ड है वो मीन्स उन्होंने अचीव किया था पहली बार। खत्म, आज भी मजा आया ना? ओ शिट, ओ बैटरी सिर्फ 4% है। अच्छा गाइस, अभी बैटरी भी गई है फुल मेरी, सो इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस व्लॉग फॉर व्हाट्स योर रीजन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।